Hello learners welcome to this session of testbook super coaching this is me tulika your ugc net paper 1 faculty and these are the timings of my free live session on youtube and testbook app learners don't forget to like share and subscribe to our channel so that you don't miss out on any important updates with regard to ugc net and other related exams learners दीज आर दी स्केड्स ऑफ आर फ्री लाइफ सेशन जिससे आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी वाइज ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर प्रिपरेशन मच मच बेटर फॉर यूटीसी नेट एग्जामिनेशन वी आर नाव अ फैमिली ऑफ फिफ्टी थाउजेंड प्लस टेक्सट बुक यूजर्स एंड थैंक्स टू इच वन ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट सो लर्नर्स डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल सो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव रिसर्च सो so, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या कौन सी रिसर्च करें क्वालिटेटिव करें या क्वान्टिटेटिव करें सो लर्नर्स इट डजेंट डिपेंड्स ऑन आर विल कि हम कैसा करना चाहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा डेटा हमें गाइड करता है कि हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव पैराडिम लेगी या क्वांटिटेटिव। सो देर आर सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिफरेंशिएट करता है और उन सभी चीज़ों का बिल्कुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम आज के इस सेशन में करने जा रहे हैं सो आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक like कर दिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बिकॉज आज का ये सेशन आपको पूरी तरह से क्लैरिटी दे देगा अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च सो दिस इज प्योरली फॉर कंसेप्चुअल वर्क हार्ट एंड मेक इट हैपन सो बहुत बार ऐसा होता है वी फील लिटिल डाउन वी डोंट फील लाइक वर्किंग लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है उसी समय आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है मेहनत करनी है एंड यू हैव टू मेक इट हैपन राइट

सो so, स जो पहली रिसर्च है जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च सो जैसे ही हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में सोचते हैं वट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू आर माइंड सबसे पहले क्या चीज हमारे दिमाग में आती है दैट इज नंबर्स राइट सो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है या उसे अगर हम डिफाइन करें तो बहुत ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है दैट मीन्स बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाई स्टेप हम इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी ना किसी घटना या फिनोमिना को और ये इन्वेस्टिगेट करने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है बाय गैदरिंग डेटा ये डेटा जो कि नंबर्स के फॉर्म में आता है हमारे पास और उसके बाद हम उस पे या तो किसी तरह का स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल टेक्निक लगा के उसमें से हम कोई ना कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं सो वेन एवर वी टॉक अबाउट क्वान्टिटेटिव रिसर्च इज़ इट इज़ बेसिकली एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है और यहाँ पे हमारे पास डेटा नंबर्स के फॉर्म में आता है और हम किसी ना किसी कंप्यूटेशनल टेक् टेक्निक यानी कि कैलकुलेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डेटा से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं सो so ज़्यादातर हमारी जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज़ होती हैं वो नंबर्स या ग्राफ्स में एक्सप्रेस होती है न बी इन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट नंबरेंट ग्राफ्स इससे हम अपनी ज्यादातर क्वान्टिटेटिव रिसर्च जो होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है या तो किसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए या उसे कन्फर्म करने के लिए कोई भी थ्योरी अगर स्टैब्लिश है तो या तो हम उसकी उसको टेस्ट करते हैं बाय क्वानिटेटिव रिसर्च या हम उसको कन्फर्म करते हैं किसी भी तरह की थ्योरी या को इस तरह की रिसर्च को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर जनरलाइजेबल फैक्ट्स अबाउट अ टॉपिक सो अनदर की टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है दैट इज जनरलाइजेशन किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी टॉपिक को किसी थ्योरी को अजम्पन को हम टेस्ट करने के बाद अगर इसे जेनरलाइज कर देते हैं तो दैट मीन्स वी आर इन द्वानिटेटिव पैराडिम

ठीक है सो वी कैन हैव ऑब्जर्वेशन विच इज रिकॉर्डेड एज नंबर्स वी कैन हैव सर्वेज अगेन नंबर्स उसमें हम लेते हैं जैसे कि सेंसस वाले सर्वेज होते हैं और क्वेश्चन हमेशा क्वान्टिटेटिव रिसर्च में क्लोज एंडेड होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन का हम इस्तेमाल क्वालिटेटिव में करते हैं क्योंकि क्लोज एंडेड रिसर्च में आपके पास लिमिटेशन हो जाती है और यहाँ पे आपके पास आंसर हमेशा येस uh, yes या नो no में होता है नंबर्स उसको आप असाइन करके बाद में फर्दर कैलकुलेशन करते हैं सो so, जब भी हम क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही यूज करते हैं तो ये तो कुछ बेसिक थिंग्स वो दे फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स स्टेप्स ऑफ रिसर्च यूजिंग अ क्वांटिटेटिव पैराडिम तो यहाँ की अगर हम यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो कि क्वांटिटेटिव पैराडिम की तरफ हमें लेके जाता है तो पहला ऑप्शन है आपका हाइपोथेसिस को फ्रेम करना हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कंक्लूड करना और रिपोर्ट करना विल दिस बी द राइट ऑप्शन एक रिसर्च प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करना उसके आधार पर अपनी हाइपोथेसिस को फ्रेम करना उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना जनरलाइज करना कंक्लूड करना और उस रिजल्ट्स के इम्प्लीकेशन को डिस्कस करना थर्ड इज प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन सैम्पल का सिलेक्शन एक रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करके फील्ड वर्क करना और डिफाइन अ प्रॉब्लम सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस तो इस पूरे ऑप्शन में से लर्नर्स बी एक ऐसा ऑप्शन है जो पूरी पूरी तरह से हमें क्वान्टिटेटिव पैराडिम की तरफ आइडेंटिफाई करता है या पॉइंट आउट करता है जहाँ पे हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करते हैं उसके आधार पर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं जेनरलाइज करते हैं कंक्लूड करते हैं और उस टेस्ट के रिजल्ट्स के इम्प्लीकेशन को डिस्कस करते हैं राइट right? अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की तो लर्नर्स ये वाले क्वेश्चंस आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बन सकते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे क्वालिटेटिव से डिफ्रेंशिएट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं इनके डिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर टूल्स होते हैं अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ हमारे टूल्स जो हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में द टूल्स विच वी यूज जो भी हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से हम उन्हें डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर टूल सच एस सर्वे पोल्स या क्वेश्चनर्स इनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे क्वांटिटेटिव डेटा को गैदर करने के लिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च क्वान्टिटेटिव रिसर्च इज कि हमारे क्वेश्चन जो होंगे इस क्वेश्चन आयर में वो हमेशा क्लोज एंडेड होंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो भी हमारा रिसर्च है हम रिसर्च की कुछ ऑब्जेक्टिव को लाइंड अप करते हैं फॉर आर स्पेसिफिक रिसर्च और उसी ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम अपने क्वेश्चन एयर के आइटम्स या क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ये yes या नो no या ऑप्शंस में जाके फॉल करते हैं वहां पे डिस्क्रिप्शन का कोई भी स्कोप नहीं रहता है सो क्लोज एंडेड क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ये क्वेश्चंस जो है ये हमें मदद करते हैं ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये हमारे टूल की तरह काम करते हैं और ये हमें हमारा क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने में मदद करते हैं जिसको हम अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च इज प्रायर स्टडीज ठीक है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिलेटेड होते हैं टू रिसर्च टॉपिक जिसे हम पहले ही स्टडी कर लेते हैं बिफोर इवन यू नो कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स तो रिस्पोंडेंट्स कौन है हमारे रिस्पोंडेंट्स है हमारे सब्जेक्ट्स राइट सो वही अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो वहां हमें उस टॉपिक पर बहुत ज्यादा पहले पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें बहुत सारे अदर टॉपिक्स पर अदर फैक्टर्स पे पहले स्टडी कर लेनी होती है अपने सब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करने से पहले सो प्रायर स्टडीज यहाँ पे बहुत जरूरी है क्वांटिटेटिव डेटा की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर टेबल्स में चार्ट में ग्राफ्स में या किसी भी फॉर्म में न्यूमेरिक न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है इसकी वजह से ये इजी हो जाता है कि हम डेटा को कलेक्ट किया हमने और हम साथ ही साथ अपनी रिसर्च की वैलिडिटी को भी प्रूव कर सकते हैं तो ये हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है टैबुलर फॉर्म में हो सकता है चार्ट्स के फॉर्म में हो सकता है या ग्राफ के किसी भी तरह के इस तरह के नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में भी हम उसे रिप्रेजेंट करके अपनी रिसर्च की वैलिडिटी को प्रूव कर सकते हैं हमारा जो रिसर्च का जो भी फाइंडिंग्स निकल के आता है वो जनरलाइजेशन की तरफ जाता है So, की अगर हम बात करें, तो जो ये हमारे रिसर्च का मेथड है इसके ग्रुप ऑफ अर्बन वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर तो अगर हमने अपना सैंपल जो लिया है उसको हम रिजल्ट्स के बाद जब जनरलाइज करेंगे तो वो इंटायर पॉपुलेशन पे हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं ताकि इसमें अगर कोई सुधार आए कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए कुछ अप्रोप्रिएट एक्शंस रिक्वायर्ड हो दैट कैन बी टेकन अप इन द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन तो जब भी हमारा रिजल्ट की रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आती हैं दे ऑलवेज लीड टूवर्ड्स जनरलाइजेशन ऑन द इंटायर पॉपुलेशन ये भी बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च के पैराडिम पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा डेटा आता है वो आता है ओपन एंडेड और कॉन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन दैट मीन्स आपने अगर किसी से बात की जो बात के समय आपने डेटा रिकॉर्ड किया दैट फॉर्म्स योर डेटा ठीक है जो भी आपने इंफॉर्मेशन बातचीत के दौरान कॉन्वर्सेशन के दौरान कम्युनिकेशन के दौरान अगर आपने गैदर की दैट फॉर्म्स योर डेटा So, जो डेटा आपका आता है वो इंटरव्यू के फॉर्म में किसी तरह का डिस्कशन के फॉर्म में कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में ओपन एंडेड रहता है दैट <coughs> उसमें काफी डिस्क्रिप्टिव चीजें हमें देखने को मिलती है ये जो मेथड है दिस इज नॉट ओनली अबाउट वॉट पीपल थिंक बट ऑल्सो वाई दे सो हम यहाँ पे सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं रहते हैं कि आपको ये चीज पसंद है या नहीं पसंद है वट लाइक अबाउट इट और वॉट यूकट हमारा इनरिच डेटा होता है सो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली इंडक्टिव रहती है या स्पायरल रहती है तो क्वेश्चन में असर्शन में या स्टेटमेंट में ये टर्म यूज किया जा सकता है सो so, क्वालिटेटिव का हमेशा जो अप्रोच रहता है वो इंडक्टिव की तरफ रहता है और थोड़ा स्पायरल रहता है इवन ये इंटरलिंक्ड भी रहता है एक के साथ दूसरा इवेंट कनेक्टेड रहता है सो इट इज इवन कंसिडर टू बी अ स्पायरल इन नेचर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है क्वान्टिटेटिव से अगर हम कंपेयर करते हैं द रिसर्चर स्टार्ट विदेंटिव आइडिया सो so, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो हमारा एक टेंटेटिव आइडिया होता है बहुत कच्चा पक्का हमारे पास एक इन्फो होती है और या कोई क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन धीरे धीरे स्पेसिफिक बनते जाते हैं ये ज़्यादा कॉन्क्रीट हम कह सकते हैं हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से शुरू करके कॉन्क्रीट की तरफ मूव करते हैं तो ये सारे जो क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रहते हैं बिफोर वी स्टार्ट दी क्वालिटेटिव रिसर्च दे बिकम मोर स्पेसिफिक विथ प्रोग्रेस इन रिसर्च सो जैसे जैसे हम अपनी रिसर्च में प्रोग्रेस करते हैं बहुत सारे मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं और इसी वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च को स्पायरल इन नेचर कहा जाता है ठीक है और इस रिसर्च के समय एक पैटर्न जैसा इमर्ज कर जाता है सो इट इज लाइक यू नॉट डिसाइड पहले से कि मैं ऐसे अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च करूंगी वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इट विल स्टार्ट टेकिंग अप शेप और एक स्पेसिफिक बन के आपके सामने रेडी हो जाता है दस इन क्वालिटेटिव रिसर्च वन स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशन तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम कोई ना कोई थ्योरी डिराइव करते हैं वी ऑलवेज एंड विद अ थ्योरिटिकल पोजिशन और अ स्टांस इसी वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च को इंडक्टिव कहा जाता है नेचर क्योंकि यहां पर रिसर्च जो है इंडक्टिव स्पाइर स्टार्ट विद एन ऑब्जर्वेशन एंड एंडल इंस्टांस और इसमें डेटा जो रहता है ओपन एंडेड या कॉन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन में रहता है सो क्वालिटेटिव रिसर्च किस समय अप्रोप्रिएट है कब क्वालिटेटिव रिसर्च करना सही होगा सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अप्रोप्रिएट वेन द इंटेंडेड रिसर्च एरिया इज़ नॉट वेल स्टडीड और अंडरस्टूड ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आपके क्वेश्चन में फ्रेम किए जा सकते हैं कि कब क्वालिटेटिव पैराडिम पिक करनी है कब क्वान्टिटेटिव तो क्वालिटेटिव हम तब उठाते हैं जब उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की गई है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं समझा गया है अ सब्जेक्ट नीड्स टू बी स्टडीड इन डेप्थ अगर किसी सब्जेक्ट पे किसी कल्चर पे किसी ट्राइब पे किसी भी एक पर्सन पे अगर हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है देन वी टेक दी क्वालिटेटिव पैराटिव अगर हमें किसी चीज का नैरो नहीं एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए अलग अलग डायमेंशन से अगर हमें किसी चीज को स्टडी करना है अलग अलग फैक्टर्स से उसे उस इवेंट को उस फनोमिना को स्टडी करना है अगर हमें एक होलिस्टिक परसेप्शन चाहिए इन दैट केस वी टेक अप क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हमें लोगों के बिहेवियरल एस्पेक्ट को स्टडी करना है देन क्वालिटेटिव रिसर्च इज ओनली पॉसिबल मेजरमेंट टेक्निक्स जैसे कि क्वेश्चन एयर आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल जब हमें लग रहा है कि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा सिर्फ क्वेश्चन एयर से कलेक्ट होकर नहीं आ सकता है हमें इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी इन ऑल दैट केसेस हमें क्वालिटेटिव की तरफ जाना पड़ता है इज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस जब आपका फोकस जो है हाउ इट वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहा है एंड नॉट ऑन द प्रोडक्ट जब आपका आपका जो रिसर्च है यू एज ए रिसर्चर अगर आपका फोकस आउटकम पे रिजल्ट पे ज्यादा है तब आप क्वान्टिटेटिव पैराडिम पे बट वही अगर आप प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं एलैबरेट तरीके से हाउ इट वर्क पे फोकस करना चाहते हैं देन यू गो फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च राइट So, learners, we at Testbook Super Coaching are there to assist you clear your UGC Net exam with India Super Teachers. Or, single subscription, mein milta hai, video courses, mock tests, study notes, and live classes by the experts. So, learners, there is a small homework question for all of you. With what name and attribute like height, weight, or happiness, that is measurable and that is assigned with changing values be called. सो so, क्या है यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि एक अट्रीब्यूट हो सकता है जैसे कि हाइट वेट हैप्पीनेस जिसे हम मेजर कर सकते हैं और इसे हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं और ये वैल्यू चेंज भी करता रहेगा क्या है ये क्या ये वेरिएबल है सैम्पल है स्टेटिस्टिक्स है या ह्यूरिस्टिक है सो so लर्नर्स इस होमवर्क क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करेंगे आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर इन द कमेंट्स एंड आई होप यू फाउंड द सेशन टू बी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग और आपकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर बिल्डअप हो गई होगी अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल सो आई एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक्स फॉर वॉचिंग बो बाय